हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सैनिक स्कूल झुंझुनू से वैकेंसी आई है टीचर्स की। सैलरी यहां पर पीजीटी की अगर हम बात करें तो 65,000 जो है सैलरी मिलेगी। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स को 63,000 से अधिक सैलरी दी जाएगी। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म की 9 दिसंबर रहने वाली है, यानी आपके पास 2 ही दिन है यदि आप आवेदन करना चाहते हैं। आयु, योग्यता, चयन प्रक्रिया क्या है तो चलिए हम देख लेते हैं मेन वेबसाइट पर जाकर, जहाँ आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म और साथ में विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा यदि आपका सब्जेक्ट है और आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो काफी अच्छी सैलरी के साथ जो है सैनिक स्कूल में वैकेंसी आती है टीचर्स की। यहाँ पर जो है पीजीटी के लिए अगर हम देखें तो 65,000 रुपए आप लोगों को पर मंथ सैलरी दी जाएगी, ठीक है। टीजीटी की अगर हम बात करें तो टीजीटी में आपको मैंने बताया 63,000 से अधिक सैलरी मिलेगी। यहाँ पर 63,758, यानी कि आपके पास जो है 64,000 पहुंच जाती है। अभी जो है सब्जेक्ट देख लें कि पीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी मैथमेटिक्स है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पीजीटी सोशल साइंस है और काउंसलर की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए पीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं 55% मार्क्स के साथ में। इसे आप ध्यान में रखिएगा, 55% मार्क्स या इससे अधिक ही होने चाहिए और साथ में आप लोगों का बीएड भी जो है कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर जरूरी नहीं है। अगर आपने अभी तक कहीं पर भी नहीं पढ़ाया है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस है तो वो तो कर ही पाएंगे। उसके बाद जो है मैथमेटिक्स के लिए भी जो है यही रहेगा। कंप्यूटर साइंस की आप देखें, बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इसके इक्विवेलेंट, या आपने जो है एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर इन आईटी या इसके इक्विवेलेंट अगर आपने किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और बीएड जो है यहाँ पर बीएड जो है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर टीचर के लिए बीएड जो है वो कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल में है, यानी कि अगर आपने किया है तो ठीक है, नहीं भी किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 65,000 सैलरी आपको पीजीटी के टीचर्स के लिए मिलेगी। आयु जो है वो 21 से 40 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस के लिए आपके पास ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, साथ में आपके पास जो है बीएड होना चाहिए और या फिर आपने एमएड भी किया है तो और भी अच्छी बात रहेगी। साथ में जो है पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सी टेट या फिर आपके राज्य का टेट, ठीक है, क्वालिफाई होना चाहिए पेपर 2 अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सैलरी 63,758 पर मंथ आप लोगों को यहां पर दी जाएगी और साथ में यहां लिखा है अवेलेबल एकोमोडेशन, यानी कि यहाँ पर आपको रहने की सुविधा भी रहेगी। 21 से 35 वर्ष उम्र है टीजीटी की। काउंसलर की अगर हम बात करें तो काउंसलर में ग्रेजुएशन होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होने चाहिए साइकोलॉजी में और साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। सैलरी यहाँ पर 63,758 मिलेगी, 21 से 35 वर्ष उम्र रखी गई है और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, सभी के लिए यहाँ पर लिखा है सैलरी के साथ में जो है आप लोगों को रहने की सुविधा भी दी जाएगी। अभी जो है मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, सब्जेक्ट दिखा दिए, क्वालिफिकेशन दिखा दी, सैलरी और एज भी आपको बता दी। सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन के लिए आप लोगों का एग्जाम होगा और एग्जाम की डेट भी जो है यहाँ पर है। पीजीटी इंग्लिश के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए और काउंसलर के लिए डेट है 18 और 19 दिसंबर। टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी सोशल साइंस एंड पीजीटी मैथ के लिए डेट है 20 और 21 दिसंबर, 8 बजे आपका एग्जाम रहेगा। अभी देखें कि आवेदन जो है वो कैसे करना है और एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोगों को बता दूंगी कहां पर मिलेगा आप लोगों को, मेन वेबसाइट पर ही जो है मिलने वाला है। यहां पर लिखा है टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान, आप लोग अप्लाई करेंगे, ये एड्रेस है। ऑफलाइन मोड में ही आप लोगों को अप्लाई करना होगा और 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जो है बनेगा जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी के लिए, 250 रुपये का बनेगा एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है। और लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है 9 दिसंबर 2023। तो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में क्या क्या जो है उसमें लगाएंगे तो यहाँ पर लिखा है 10th की मार्कशीट और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सभी आप लोग उसकी फोटोकॉपी
साथ में एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सेल्फ एड्रेस एनवलप विद पोस्टेज स्टैम्प ऑफ 27। ठीक है, रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट ही करें, बाय हैंड जो है आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एनवलप के ऊपर ये लाइन जरूर लिखें, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ TZT, PZT और सब्जेक्ट, ठीक है, ये जरूर लिखें। उसके बाद जो है आप लोगों को ये मेन वेबसाइट है स्कूल की, इस पर आप लोगों को देखते रहना है जैसे ही आप आवेदन कर देते हैं, क्योंकि इसी पर सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। एग्जाम का डेट और टाइम अगर चेंज होता है तो आप लोगों को पता लगेगा, और अभी तो फिक्स है, बाकी अगर कुछ भी चेंज होता है तो आप लोगों को इस पर देखते रहना है। कॉल लेटर से संबंधित सारी जानकारी आप लोगों को इस पर मिलेगी, यहाँ पर जो है वो बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, डिटेल ऑफ एग्जाम डेट टाइम वेन्यू विल बी पब्लिश्ड ऑन स्कूल वेबसाइट ओनली, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू विजिट स्कूल वेबसाइट रेगुलरली फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स। तो जो भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करेंगे, सबसे पहली बात जो है एग्जाम या टेस्ट के लिए किनको बुलाया जाएगा, तो जो भी क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं, जिनका एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल सही से भरा होगा, तो उन्हीं को जो है शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा एंड इंटरव्यू रहेगा। यहाँ पर यह भी बता दिया कि आप लोग क्या पढ़ेंगे, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स होंगे तो उनको क्लास 10th अपने सब्जेक्ट से संबंधित पढ़ना होगा एनसीईआरटी बुक। उसके बाद जो है यहाँ पर क्लास 11th को पढ़ना होगा पीजीटी टीचर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी लिख दिया है कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर टू अपियर इन क्लास डेमो के लिए, आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। 20 मिनट का जो आप लोगों का डेमो क्लास होगा, तो आप लोग ये पढ़ के जाएं पीजीटी टीचर्स को क्लास 11th एंड टीजीटी टीचर्स को क्लास 10th, एनसीईआरटी बुक से ही आप लोगों को कवर करना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, तो मेन वेबसाइट पर आपको आना है, गूगल पे सर्च करना है ssjhunjhunu.com। तो ये मेन वेबसाइट का जो होम पेज है आपके सामने होगा, और यहाँ पर देखें आप रिक्रूटमेंट, तो सबसे नीचे है स्टाफ रिक्रूटमेंट, इसको आप ओपन करेंगे। उसके बाद आपके सामने जो है एप्लीकेशन फॉर्म और साथ में नोटिफिकेशन विज्ञापन का आपको दिखेगा। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर पीडीएफ है, इसे आप डाउनलोड करेंगे। नीचे है एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी एंड काउंसलर एंड टीजीटी की भी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है, तो इसे आप ओपन करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके का है। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। बाकी मैं आप लोगों को लिंक जरूर शेयर करती हूँ ताकि आप लोग नोटिफिकेशन को दोबारा से पढ़ें और फिर जो है अप्लाई करें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।